जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में आश्रम मंगलेश्वर बगीची पर निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के समापन के बाद 11 जुलाई को 21 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष गोपाल जी महाराज ने बताया कि हमारे संस्थान के द्वारा आज 551 कलश की एक भव्य यात्रा निकालकर श्री मद भागवत का शुभारंभ किया गया है। ये कलश यात्रा मंगलेश्वर बगीची से मेन बाजार शेरगढ़ होती हुई वापस मंगलेश्वर बगीची पर पहुंची। यहां कस्बे के लोगों द्वारा यात्रा में शामिल लोगों को जलपान कराकर उनका भव्य स्वागत किया। भागवत समाप्ति के बाद भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा और संस्था के द्वारा 21 गरीब सर्व समाज की कन्याओं का विवाह कराया जाएगा, जिन्हें संस्था की तरफ से घरेलू जीवन उपयोगी उपहार भी प्रदान किए जाएंगे। राज जी, आज आपके द्वारा जो आयोजन हुआ है उसके बारे में जानकारी दें जरा, क्या आयोजन? आज यहाँ निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा मंगलेश्वर बगीची पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। इस कलश यात्रा में 551 कलशों की भव्य भारी बैंडों के साथ में डीजे ढोल के साथ में कलश यात्रा निकली है और यहाँ पर सभी समाज का तन मन धन से भरपूर कलश यात्रा में सहयोग रहा है। हमारे बाजार में भी भव्य स्वागत 4-5 जगह पर अग्रवाल समाज ने, जैन समाज ने, बहुत विशाल हर समाज ने इस कलश यात्रा का, हमारे सभी कलश यात्रा में सम्मिलित जो भक्तजन हैं उनका भव्य स्वागत किया है और हम निस्वार्थ सेवा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी समाजों को जो हमारी कलश यात्रा में भव्य स्वागत किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसके बारे में कलश यात्रा निकली है? ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ है और ये 7 दिन तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कलश कथा भागवत होगी और 7 दिन कथा के उपरांत 8वें दिन पहले जैसे बताया था गरीब 21 कन्याओं का विवाह समारोह का आयोजन यहाँ सर्व समाज के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और ये कार्यक्रम सब लोग तन मन धन लगा करके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।